नमस्कार, मैं मेघा। शुभ रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंस्टेंट बर्फ़ी कैसे बनाना है वो देखेंगे। झटपट होने वाली यह बर्फ़ी है, एकदम मावे जैसे टेस्टी, बिना मावे की लगती है। ना ही तो हमने इसमें मिल्क मावा का इस्तेमाल का किया है, ना ही घी का। बिना गैस के ये हम लोग बर्फ़ी बनाएंगे। झटपट होने वाली है, 5 मिनट की बर्फ़ी उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी जितनी की हलवाई बनाते हैं। एकदम मावे वाले बर्फ़ी देखिए, एकदम सॉफ्ट, और उसका टेक्सचर देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी टेस्टी, एकदम मावे जैसी लग रही है। तो देखते हैं कैसे बनाना है ये बर्फ़ी को। तो बर्फ़ी बनाने के लिए हम लोग मिक्सर जार में लेंगे ये 1/2 कप फुटाना डाल, जो चूड़े में यूज़ करते हैं, किराना माल के दुकान में आपको इजीली मिल जाएगी। तो यह 1/2 कप फुटाना डाल लेनी है, और उसमें हम लोग डालेंगे 1/4 कप शक्कर, यानी 1/2 कप के लिए 1/4 कप शक्कर, और 2 चम्मच यहाँ पे हम लोग डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। नारियल का भूरा था तो 2 चम्मच में यहाँ पे डाल रही हूँ, और 2 चम्मच यहाँ पे मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर के जगह आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसे हमें एकदम फाइन पाउडर बनानी है। तो देखिए, जितनी फाइन हो सके उतनी फाइन पाउडर बनानी है, क्योंकि इसमें हम लोग ने दाल डाली है फुटाना डाल, तो उसके लिए एकदम फाइन पाउडर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसे हम लोग एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इलायची का पाउडर डालने के बाद आप ये भाई दूज के लिए आप ज़रूर बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी ये मिठाई। तो अभी इसमें हम लोग ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये 2 कलर में बर्फ़ी बना रहे हैं। तो इसके लिए ये कलर में ऑरेंज जैसे बना रही हूँ, तो ये ऑरेंज और ग्रीन कलर में बना रही हूँ मैं। तो ये ऑरेंज कलर हम लोगों ने इसमें ऐड किया है, और इसमें हम लोग रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे जो पहले से उबला हुआ है, और रूम टेम्परेचर पे हम लोगों ने इसे आने के बाद ही हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। गर्म या ठंडा दूध बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। तो दूध को हमें एक साथ नहीं डालना है, बस एक एक दो दो चम्मच डाल के हमें ज़रूरत के अनुसार ही इसमें दूध मिक्स करना है, क्योंकि इसमें चीनी इस्तेमाल की है तो चीनी जल्दी से पिघल जाती है। दूध डालने से एकदम मॉइस्चर आ जाता है, और अगर ज़्यादा दूध हो गया तो फिर यह मिश्रण पतला हो जाएगा। तो टोटल मैंने 4 से 5 चम्मच डालने के बाद देखिए, हाथ से ऐसे मिक्स करते जाएंगे ना तो वो एकदम मिक्सचर एकदम स्मूथ डो जैसे बनता जाएगा। अगर ज़रूरत लगी तो देखिए, अभी और 1 चम्मच डालो तो ज़रूरत लगी तो ही डालना है। तो टोटल 6 चम्मच मुझे यहाँ पे दूध लगा है, और एक स्मूथ डो बन के रेडी हो गया। तो इसे रखते हैं साइड में और दूसरा डो बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए 10 काजू, 10 बादाम, और 5 मैंने यहाँ पे लिए पिस्ता। इसकी जगह आप चाहिए तो काजू, बस काजू या बादाम तो बादाम से ही बना सकते हैं ये बर्फ़ी। तो यहाँ पे मैंने 3 ड्राई फ्रूट्स लिए, और उसमें डालेंगे 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। सेम मिक्सर जार में मैंने लिया है जिसमें हम लोगों ने पहला मिश्रण पीसा था, और आधे से आधा कप यानी 1/4 कप हम लोग डालेंगे चीनी, और 2 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। अभी इसका एकदम फाइन पेस्ट पाउडर बना लिया है हम लोगों ने। तो एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हैं, और ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें हम लोग डालेंगे इलायची पाउडर। इसे स्वाद और टेस्ट दोनों बढ़िया आता है, और इस अभी हम लोग इसमें डालेंगे ग्रीन फूड कलर। तो पहले हम लोगों ने ऑरेंज फूड कलर डाला था, अभी ग्रीन फूड कलर, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आएगा। तो अभी वैसे ही हमें थोड़ा थोड़ा सा दूध मिक्स करते हुए इसका भी स्मूथ एकदम डो बनाना है। इसके लिए एकदम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा करके दूध डालना है। 5 से 6 चम्मच से दूध ज़्यादा नहीं लगता है, बस इतना ही बस हो जाता है। पर पहले 1-2 चम्मच ऐसे मिक्स करते करते ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि और दूध लगेगा कि नहीं। देखिए, अभी 5 चम्मच इसमें दूध लगा है, और देखिए एकदम स्मूथ ऐसे हमारा ये डो बन रहा है। बस अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसका स्मूथ डो बनाते जाएंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा दूध हो गया तो ये मिश्रण जो है पतला हो जाएगा। देखिए, अभी हमारा स्मूथ एकदम डो बन के रेडी हो गया है, बस 5 चम्मच दूध में ही। तो अभी हम लोग बर्फ़ी सेट करने लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया है, इसमें हम लोग बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर की जगह आप डिश में घी
लगा के भी उसमें भी बर्फी सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंटेनर में डालेंगे येलो कलर का मिश्रण जो हम लोगों ने पहले बनाया था, उसे अच्छी तरह से ऐसे फैला देंगे और अच्छे से सेट करेंगे स्पैचुला से वगैरह ऐसे दबा दबा के इक्वल सब जगह अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। और उसके ऊपर हम लोग डालेंगे बाद में ही अच्छे से सेट होने के बाद ग्रीन का जो मिश्रण हम लोगों ने बना के रखा था वो। मेरी दिखाई हुई रेसिपी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए अभी ग्रीन कलर का जो मिश्रण हम लोगों ने बनाया था ना बर्फी का, उसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करते हुए आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना स्मूथ ये मैं बैटर बना है। तो अभी देखिए अच्छी तरह से हमें इसे 2 घंटे के लिए सेट करना है। तो 2 घंटे हो चुके हैं, देखिए बर्फी हमारे अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं कंटेनर से, देखिए कितनी इजीली निकल आती है क्योंकि हम लोगों ने इसमें बटर पेपर लगाया है। इसके लिए आप बटर पेपर लगाएंगे तो बर्फी इजीली निकल सकती है, नहीं तो आप बड़ी वाली डिश में घी से ऐसे ग्रीस करके भी उस पर बर्फी सेट कर सकते हैं या बर्फी का ट्रे भी ले सकते हैं। अभी इसके हम लोग अच्छे अपनी जो छोटे बड़े जैसे आपको चाहिए उसके उस हिसाब से पीस कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एकदम बड़े बड़े पीस कट करेंगे स्क्वायर वाले और उसके बाद हम लोग इसे ट्रायंगल में कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एकदम बीच में ही बड़ा कटिंग कर लिया है और इसके हम लोग बड़े बड़े पीसेस कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए बर्फी कितनी स्मूथ बनी है कट करते हुए आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम स्मूथ एकदम शाइनिंग वाली। ऐसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही हमारी ये बर्फी बनी है मावे जैसी, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। अभी ये बड़े स्क्वायर पीस का हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिकोण जैसे पीसेस दिखने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत ही मस्त ऐसे स्वादिष्ट हमारी बर्फी बन के रेडी हो गई है। तो ये आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये बर्फी आपको कैसी लगी। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए कितनी मावे जैसी ये बर्फी दिखने में लग रही है और उतनी ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए ये दिवाली में इंस्टेंट बर्फी, एकदम हलवाई स्टाइल ये बर्फी बनती है। आप ज़रूर बनाएं और देखिए आपको बहुत पसंद आएगी, सब पूछेंगे आपको कैसे बनाया है।